ये है भाई वो कार इन्वर्टर जो मैं इस ट्रिप पे लेकर आया था, बट यूज अभी तक एक बार भी नहीं हुआ। आज पहली बार खुल के होएगा। क्या पंगा है ये महिंद्रा का 12 वोल्ट का सॉकेट इतना बेकार है भाई साहब। ये जरा सा ये लगाते हैं, अभी तो कुछ लोड दिया ही नहीं इसमें चार्जिंग का, पहले ही उड़ गया फ्यूज। ये आ गई है जर्मनी की सीमा और हम ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं जर्मनी के अंदर। एंड यहाँ पे भी भाई अपना इंडियन फ्लैग हमने लहरा दिया है। मैं दिमाग खराब हो रहा है मेरा, मैं इसको रख रहा हूँ, बस अब देखा जाएगा इंडिया जाके क्या करना है। जर्मनी में डीजल का प्राइस देख लो भाई, 1.64 लीटर है और जो बढ़िया वाला डीजल है वो 1.65। इसी रीजन की वजह से आप देखोगे यहाँ की जो गाड़ी है ना उनकी नंबर प्लेट में जी नहीं लिखा हुआ, डी लिखा हुआ है। ओ भाई साहब सुजुकी का शोरूम है यहाँ पे बाहर देखो, ऐसा हाईवे वर्ल्ड का जिसमें भाई कोई स्पीड लिमिट ही नहीं है। तो यहाँ पे हम 140, 150, 200, 250, 300 पे चलाए कोई नहीं रोकेगा। चेक रिपब्लिक से जर्मनी जा रहे थे और बीच रास्ते में हाईवे पे ही भाई गाड़ी का ये खराब हो गया और अब भाई खुद ही रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ तो मैकेनिक मिलने नहीं वाला, तो ना तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ वाली हमें पैसे देगी ना ही इंडिया वाली इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। चलो प्राग सिटी को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। लगेज वगैरह सारा पैक कर लिया है भाई, काफी लेट हो गए। यहाँ का चेकआउट टाइम था भाई 11 बजे का, उनका 11:30 बजे फोन आया। हम जब उठे थे सोचो तो हमने कहा कि 12 बजे तक चेकआउट कर लेंगे, बट अभी भाई 1:45 हो रहा है। ओए देख रहे हो, 1:45 बजे चेकआउट, बेटे पैसे लेंगे, रेडी रहो कैश निकालने के लिए। मैं तो उठ गया था टाइम पे, कैश दो कैश। वैसे इन बड़े होटलों में मांगते नहीं है पैसे, हॉस्टल्स में मांग लेते हैं भाई साहब। अगर एक घंटा भी लेट हो गए, वहां पे देखा था ना अपना कौन सी सिटी थी, बुदापेस्ट में 1000 रुपए ले लिए थे 10 यूरो। वही तो कह रहा हूँ हॉस्टल में मांग लेते हैं, होटलों में 4-स्टार होटल है ये तो होपफुली ना मांगे तो बढ़िया। जनरली ना मैं 3 सूटकेस लाता नहीं हूँ ऊपर रूम में, बट मुझे सामान सेट करना था इसलिए लेकर आया और सामान भी नहीं सेट करा। देख रहे हो फालतू फंड में इतना ओ भाई वजन उठा के, क्योंकि ना ले जाना मुश्किल हो जाता है 3 सूटकेस इसको एक साथ। इसको थोड़ा चिपकाना पड़ेगा इससे ताकि ये दोनों साथ साथ चले, और एक हाथ से फिर ये, इसलिए कैमरा रखना पड़ेगा अभी। ऐसे तैसे करके भाई लिफ्ट में तो लगा दिया सामान। और ये कपड़े है जो मैं परसों लेकर आया था, सारे नहीं, इसमें से 2 जो शॉर्ट्स लिए थे ना वो थोड़े से टाइट है, तो एक साइज ऊपर लेना है मुझे, क्योंकि उस दिन ट्रायल रूम वहाँ पे था नहीं तो मैं चेक नहीं कर पाया, आज बट हो जाएगा। अरे अरे रुको रुको भाई, कहाँ खोल दिया, खोलो लिफ्ट। मैं तो निकला ही नहीं भाई साहब, कुछ तो बोलेंगे भाई वो पक्का कि इतनी लेट चेकआउट कर रहे हो। ये 2 कार्ड भी दे देते हैं, 4 कार्ड बताओ, शर्म करो शर्म। ईरान और टर्की की तरह ना यहाँ पे भी लोगों ने ज्यादातर ना ऐसे ट्रॉफी रखी होती है, प्लस का साइन देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई दवाई वाली ट्रॉफी हो। पार्किंग इस होटल में फ्री थी भाई, काफी बड़ी पार्किंग है, इतनी सारी गाड़ियां लगी हुई है। ये खड़ी है अपनी स्कॉर्पियो है, और मोहित भाई जा चुके हैं सुबह, मेरे ख्याल 6-7 बजे चेकआउट किया था उन्होंने, हम तो सो रहे थे, बट उन्होंने रात को बताया था कि मैं जल्दी निकल जाऊंगा क्योंकि उन्हें 12 बजे बर्लिन पहुंच के अपनी बाइक वापस करनी है जो रेंट पे ली थी, तो अभी वो हमें बर्लिन में ही मिलेंगे। बजगी भाई सब, बैग उठाने में बहुत भारी होते जा रहे हैं क्योंकि सामान भरता जा रहा भरता जा रहा है। कपड़ों की ऐसी तैसी होगी सारी, है यार देखना कितने वाइट वाइट लग गए, अच्छे खासे नए कपड़े खरीदे थे। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, आज है 22 जुलाई 2023, मैं हूँ अभी चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग में। आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए बाय रोड, जिसमें हम भाई 25 से ज्यादा कंट्रीज कवर करेंगे, 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचेंगे लंदन यूके में। भाई देख ही रहे हो आप कितनी एपिक वाली रोड ट्रिप है ये, और वीडियोस भी खतरनाक आ रही है, ऐसी सपोर्ट बनाए रखना 3 मिलियन सब्सक्राइबर करने घर पहुंचने से पहले। एंड इस वीडियो का लाइक है मैं 80,000 का, तो ये अपनी जो नमस्ते लंदन रोड ट्रिप है इसके लिए इतना तो बनता है ना भैया। बाकी सर्विस हो चुकी थी अपनी गाड़ी की, लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था पूरा, तो इसके बाद अब हमें कहीं पे कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बस इसमें DF लिक्विड डलवाना है और डीजल डलवाना है, दोनों ही चीजें खत्म पड़ी है तो इसलिए करेंगे। बाकी ये हमारा होटल था भाई, ईरिस होटल ईडन करके ये जगह है, मस्त एरिया है भाई, खुला खुला, सिटी सेंटर से ना लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर है। बाइक देखो भाई लाइन से, होंडा की गोल्ड विंग, हार्ले डेविडसन की स्पोर्टर, एक और हार्ले डेविडसन, और ये है कौन सी है, ये कौन सी बाइक है भाई, विक्ट्री वी मोटरसाइकिल। इन सब में से सबसे बढ़िया मुझे लग रही है भाई गोल्ड विंग, हालांकि ये पुराना मॉडल है, और पर्सनल मेरी प्रेफरेंस पूछोगे तो मैं ये लेना पसंद करूंगा स्पोर्टर। इनकी जो नई आई है ना स्पोर्टर एस भाई मस्त है एकदम, 15-16 लाख में बाइक, होए कभी पैसे होंगे तो लूंगा जरूर भाई। बाकी इस मैप के हिसाब से भाई हम चेक रिपब्लिक में है और आज जाने वाले हैं जर्मनी, इनकी एक सिटी है बर्लिन करके, क्योंकि भाई वहां की कैपिटल है। यहां से कुछ 3-3.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन बीच में ना हमें एक जगह पे रुकना है, वो क्यों रुकना है वो मैं बताता हूँ, पहले जाके कपड़े चेंज करवा लूँ और खाना खा लूँ। ये मॉल है भाई बिल्कुल होटल के सामने, यहीं से लेकर आया था मैं कपड़े, और इसी मॉल पे सेकंड फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे मस्त इंडियन होममेड खाना मिलता है, बड़ा टेस्टी और सस्ता भी। ये आ गया भाई पंजाबी फूड के नाम से, रोज ही आ गई अपनी वेज पंजाबी थाली,
हाँ, इसमें है आलू शिमला मिर्च, छोले और दाल, चावल और रोटी अलग से 195 क्राउन यानी कि 800 रुपए का। इन कंट्रीज में क्या है भाई, अगर आपने खाना खाया ना तो ट्रे खुद ही रखनी पड़ेगी, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो चाहे वो कोई भी फूड कोर्ट हो, तो इस तरह की ये बनी होती है, यहाँ पे लगा देंगे ये ऐसे, फिर वो यहाँ से अपने आप ले जाते हैं धोने के लिए। ऑब्वियसली धोना हमें नहीं है, बट इतना काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आए और बस टेबल पे छोड़ के चले गए खा के। ये है भाई वो जहाँ से मैंने चेंज करवाया था, तो इनकी रिटर्न पॉलिसी है 3 महीने की, मतलब आप 3 महीने में वापस भी कर सकते हो, रिफंड दे देंगे या एक्सचेंज कर सकते हो, बट रिसिप्ट होनी चाहिए, वो मैंने रखी हुई है सामान। मस्त कलेक्शन था भाई, मैं गुस्सा ना ऐसे दिल सा आ गया कई चीज़ों पे, तो मैंने इसलिए धड़ाधड़ खरीद ली। ना ज़्यादा सस्ता है ना ज़्यादा महंगा है, बीच का है, बट फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है और मेन है सबसे कि डिज़ाइन अच्छे लगे। बस ये चेंज करना है, साइज़ बड़ा ले लूँ। चलो जी एक्सचेंज प्रोसेस डन। एक मैंने ये गन ले लिया भाई पार्थ के लिए, इंडिया में ना इजिली मिलती नहीं है ये नर्फ गन, बट यहाँ मिल गई और सही थी, रेट भी 1800 कुछ रुपए की पड़ी है इंडियन करेंसी में। जब वापस जाएंगे ना बस फ्लाइट में ले जाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट कोई नहीं भाई हो जाएगा मैनेज, और एक्सचेंज भी इन्होंने कर दिया भाई बिना कुछ क्वेश्चन पूछे सोचो। चलो जी चलो यहाँ पे रख दिया अभी के लिए, तो बाद में सूटकेस में सेट कर लूंगा और जर्मनी पहुंच के एक बार चेक भी कर लूंगा सेल डाल के चल भी रही है नहीं चल रही। फिलहाल अभी हमें जाना है DJI के स्टोर में, क्योंकि कल मैं गया था, कल नहीं परसों मैं गया था बट बंद पड़ा हुआ था, तो इसलिए आज जाके गिम्बल लेंगे। स्टोर था भाई उस दिन भी बंद पड़ा था और यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि 22 तारीख को खुलेगा, एंड आज 22 तारीख ही है और आज भी बंद है। ये लिखा तो है ना 22 तारीख, टाइम भी हम बिल्कुल सही आया, 6 बजे तक बंद होता है, अभी फिलहाल 2:30 बजे। चलो छोड़ो यार हम नहीं मिलना है यहाँ से, देखते हैं। बर्लिन में तो है नहीं DJI का स्टोर, वैसे थर्ड पार्टी स्टोर होंगे, वहाँ से कहीं से ले लूंगा। पेट्रोल पंप मिल गया है अपना, सिटी से बाहर निकलते ही तो टैंक फुल करवा लेते हैं यहीं से। तो अभी हमारे पास भाई जितने भी यहाँ की करेंसी बची हुई है ना उसके पूरे का हम डीजल डलवा लेंगे, मतलब एक नोट मैंने रख लिया और सिक्के भी रख लिए अलग से सोविनियर के लिए, बट बचा हुआ कैश क्या ही करेंगे ले जाके, अगर यूरो होता तो रख लेते, बट अभी वैसे भी फ्यूल भी खत्म है और पैसे भी है तो डलवाना है। यहाँ के फ्यूल स्टेशन में ना भाई बेंजीन तो लिखा है यानी कि पेट्रोल, लेकिन ये नाफ्ता लिखा हुआ है, नाफ्ता मेरे ख्याल से तो डीजल ही है क्योंकि ईवो और ईवो प्लस है, तो ये डीजल वाला ही होगा, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए किसी से। रेट है भाई 34.9 क्राउन पर लीटर, 35 का मतलब होगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मोटा मोटा वही 130-140 रुपए के आसपास। ये देखो भाई ट्रांसलेट कर लिया गूगल से, यहाँ लिखा आ गया है डीजल फ्यूल, टोटल मेरे पास यहाँ के 1060 केसी है, इंडिया के अराउंड 4400 रुपीज के आसपास। तो हमारे हाथ में ही होता है भाई कितना डीजल भरना है, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा तो आपको मिलेगा नहीं, खुद से डालना पड़ता है। तो ये मीटर चल पड़ा है, जैसी हो जाएगा 160 हम रोक देंगे, क्योंकि उससे ऊपर हुआ तो कैश बचा नहीं है, फिर कार्ड से पेमेंट करनी पड़ जाएगी और शायद वो कैश प्लस कार्ड लेंगे नहीं, तो उससे बेटर है जितना है उतने का ही डलवाओ, बाकी जर्मनी पहुंच ही जाएंगे भाई इतने लीटर में तो हम आराम से। धीरे 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 थोड़ा सा और थोड़ा सा, 50 ही कर दो, छोड़ो चलने तो 60 हो जाएगा पर मत जाने देना बस। चलो थोड़ा सा बस चलो जी हो गया है, टोटल 30.36 लीटर आया अपनी गाड़ी में डीजल। ठीक है भाई लगभग 280-290 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी, और यहाँ से जो बॉर्डर है जर्मनी का वो कितना है मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर। अच्छा हाँ मेरे को रुकना भी है रस्ते में ड्रिस्डेन करके एक सिटी में, अभी एक मिनट पेमेंट कर रहा हूँ फिर बताता हूँ। देखो ये नंबर लिखा हुआ यहाँ पे 7-8, तो 8 नंबर है उधर का, 7 नंबर है इधर का। सुपरमार्केट में जाके मुझे बोलना है कि 7 नंबर से मैंने फ्यूल डलवाया है, बस वो पेमेंट बता देंगे मेरी। यहाँ पे देखो लॉटरी बहुत चलती है 100 केसी के, यानी कि इंडिया के 400 रुपए, इनको स्क्रैच करो फिर जो होगा होगा। चलो जी पेमेंट हो गई है, रिसिप्ट मिल गई है, सब कुछ मिल जाता है भाई इन सुपरमार्केट में जो बनी होती है ना स्टेशन पे ऐसे। जर्मनी का भी विनेट लेना है बट वो जर्मनी में ही जाके मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। और गाड़ी को साइड लगाते हैं भाई, इसका अडैप्टर वगैरह लगाना है मुझे, बट साइड लगा लेना क्योंकि जो इसका सिगरेट लाइटर वाला पोर्ट था ना वो चल नहीं रहा था, बट सर्विस के दौरान मैंने ठीक करवा लिया था, तो अब जो
जो है हमारा वो एक्सटेंशन बोर्ड लग जाएगा, जिससे हम अपने मोबाइल माइक वाइक सब कुछ चार्ज कर सकते हैं ऐसे चलते चलते ऑन द गो। अभी तक ना गाड़ी में सिर्फ एक ही टाइप सी वाला पोर्ट था, तो चार्ज एक ही फोन हो पाता था, बट अब दिक्कत नहीं होगी कोई। गाड़ी पहले साइड में लगा लेते हैं उधर कहीं पे, फिर मस्त इसमें सेटअप कर लूंगा मैं और फास्ट चार्जिंग के मजे लेंगे। इस तरह की पार्किंग बनी होती है, आप यहाँ पे लगा के सो भी सकते हो गाड़ी में, कोई कुछ नहीं कहेगा और फ्री होती है, पेड नहीं है। चलो जी, चलो आ गई अपनी माफिया स्कॉर्पियो। एंड ये ना ऐसे बने होते टेढ़े, तो बिल्कुल ही इसमें लगाना है, यानी कि भाई लाइन पे चढ़ा के लगा दो, वो अच्छा नहीं माना जाता। मतलब सबसे पहले तो जो एक्सटेंशन केबल है वो ढूंढनी है मुझे कहाँ पर है, क्योंकि इतने दिन से यूज नहीं हो रही थी ना, तो एम ही पटक रखी थी मैंने। यहाँ पे लग जाएगी और वो एक्सटेंशन केबल आगे तक एक्सटेंड हो जाएगी। ये इतने सामान के बीच में ढूंढना भी भाई स्याप ऐसे ही में, यहाँ तो नहीं है मेरे ख्याल, आगे वाली सीट पर रखी होगी, फिर शायद से इधर भी हो सकती है, ये मेरे को जहाँ तक याद है। हाँ इसी में ये मिल गई। और अब अपना भाई ये टायर इन्फ्लेटर भी चल जाएगा मस्त, जो पहले चल नहीं रहा था, तो अगर रस्ते में हवा कम होती है तो भाई अब काम आ जाएगा ये। ये देखो इस तरह की केबल होती है, तो एक हिस्सा लग जाएगा इसका यहाँ पे, अब इसको हम आगे रख सकते हैं क्योंकि लंबी तार है। महिंद्रा को ये सिगरेट लाइटर वाला पोर्ट ना आगे भी देना चाहिए था भाई, काम आता है। ये है भाई वो कार इन्वर्टर जो मैं इस ट्रिप पे लेकर आया था, बट यूज अभी तक एक बार भी नहीं हुआ, आज पहली बार खुल के होएगा। इस तरह का आता है पोर्ट्रोनिक्स का, तो इसमें क्या आप नॉर्मल एक चार्जर भी लगा सकते हो और अपना यूएसबी भी मिल जाएगी और जो पोर्ट है ना वो भी मिल जाएगा, तो इसलिए इसके लिए 120 वोल्ट का ये है भाई सब। इससे क्या तेज फोन चार्ज हुआ करेगा, इसको लगाते ऐसे और ये देखो भाई 20 वोल्ट की पावर डिलीवरी है, 100 वोल्ट की है और ये क्वालकॉम वाला 18 वोट का है। मतलब समझ लो भाई इनसेन वाली पावर, तो मस्त फोन वोन चार्ज हो जाएंगे। तो यार कल ही चेक किया था चल पड़ा था, आज फिर ये तार लगाई तो चल ही नहीं रहा, ये देखो लाइट ही नहीं आ रही, एकदम से लाइट आई थी ग्रीन कलर की फिर बुझ गई, तो मुझे लग रहा है फिर फ्यूज उड़ गया। क्या पंगा है ये महिंद्रा का 12 वोट का सॉकेट इतना बेकार है भाई साहब, ये जरा सा ये लगाते अभी तो कुछ लोड दिया ही नहीं इसमें चार्जिंग का, पहले ही उड़ गया फ्यूज। आओ यार हद है, क्या फालतू में ठीक करवाया, कल देखना चल ही ना रहा, पावर लाइट ही नहीं आ रही भाई, मैं दिमाग खराब हो रहा है मेरा, मैं इसको रख रहा हूँ बस, अब देखा जाएगा इंडिया जाके क्या करना है। हाँ ये देखो 15 वाला ही चेंज करवाया था, और अगर आपको दिख रहा होगा तो सर्किट ब्रेक हुआ पड़ा अंदर से, मतलब ये फिर फ्यूज हो गया, क्या हो रहा है। ये जो 20 वाला इसका तो सही है देखो, है ना जुड़ा पड़ा है, लेकिन ये बार बार फ्यूज हो रहा है, फ्यूज पड़ा तो है मेरे पास, लेट्स सी इसकी जगह 15 की जगह 20 ही लगा के देखूं, शायद से ये झेल ना पा रहा हो, क्योंकि इंडिया में मैंने जब चेंज करवाया था ना उस वक्त 20 ही था भाई, लेकिन उन्होंने 15 पता नहीं क्यों लगाया, तो ये मिल गया एक्स्ट्रा 20 वाला यही लगाता हूं। लो भाई चल गया है, जैसी 20 वोल्ट का लगाया पावर आ गई है, अब होपफुली फुके ना भाई वापस से, या तो मुझे लग रहा है इस केबल की वजह से फुक रहा है, इसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा, इसको मैं यूज ही नहीं करूंगा, डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, बट इसकी ना तार इतनी लंबी नहीं है, तो बस थोड़ा सा यहाँ से खींच खाच के यहीं तक ही जाएगा, फिर यहाँ चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, चालू तो हो गया और मेरे पास काफी सारे फ्यूजेस पड़े भी है, अगर बार 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 होता है खराब तो मैं चेंज करता रहूंगा। वैसे 20 वाला लगा दिया मैंने, तो होना तो नहीं चाहिए, 15 की वजह से ही हो रहा था शायद से, बाकी बाद में हुआ तो दिखाऊंगा, अभी फिलहाल ये सब कुछ पैक करें। अच्छा वो भाई ये एक्स्ट्रा फ्यूजेस ले आया था, बताओ टाइम पे काम आ रहे हैं ना। ये प्लास्टिक की क्वालिटी ना इतनी अच्छी नहीं है महिंद्रा की, यहाँ पे मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ ये बात। चल भाई लग जा, हाँ हो गया, चलो लेट्स गो। एंड केबल्स निकाल लेता हूँ, टाइप सी वाली एक्स्ट्रा पड़ी है दो चार, एक ये पड़ी है भाई बिल्कुल पैक, काफी है दो अभी और दो ऑलरेडी गाड़ी में लगी हुई है। ये जुगाड़ करा है भाई, केबल्स देखो यहाँ तक ही आ पा रही है, तो चार्जिंग करनी है, फोन वोन यहाँ रखना पड़ेगा। बाकी भाई हमारी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 18 एंड अपनी स्कॉर्पियो के साथ कंट्री नंबर 17 चेक रिपब्लिक में आप सभी का स्वागत है। एंड यहाँ पे भी भाई अपना इंडियन फ्लैग हमने लहरा दिया है। चलो भाई चेक रिपब्लिक में भी फ्लैग लहरा दिया है, अब निकलते हैं ड्रेसडन के लिए। हाँ तो आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ भाई, सीन क्या हुआ, मैंने आज से 3 दिन पहले एप्पल की वेबसाइट से, एप्पल जर्मनी की वेबसाइट से एक मैकबुक ऑर्डर किया, मैकबुक प्रो M2 चिप वाला जो लेटेस्ट वाला आया हुआ है। अभिषेक का एक दोस्त है वो जर्मनी में ही ना स्टूडेंट है बर्लिन में, तो हमें पता चला कि स्टूडेंट डिस्काउंट मिल रहा है अच्छा खासा, मैंने उसकी एक आईडी होती है यूनिक की कोई सी, वहां से ऑर्डर कर दिया एप्पल स्टोर से ही, ऑफिशियल एप्पल स्टोर से किया। अराउंड कुछ 5,027 यूरो का था टोटल जो बिल बना, एयरपोर्ट्स भी थे उसमें और एप्पल केयर भी था 3 साल का। बट प्रॉब्लम क्या हुई भाई, जब मैंने अपने कार्ड से पेमेंट करी ना, मेरे कार्ड में पूरे पैसे थे जितना उसका बैलेंस था, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे काटे सिर्फ 28,494 रुपीज। तो मैं हैरान, मैंने कहा भाई साहब इतना बड़ा अमाउंट था और काटा इन्होंने 28,000 ही। तो मुझे लगा यार ठीक है अभी नहीं काट रहे होंगे, क्या पता बाद में काटेंगे, तो मैंने वेट किया। फिर कल मेरे पास शाम को एक और मैसेज आया कि लगभग 30,267 की, तो ये दूसरी पेमेंट थी। तो मैंने कहा ठीक है भाई कुछ तो हमें काट रहे होंगे, कोई बात नहीं अभी जब ऑर्डर मिलेगा। एक्चुअल में जो डिलीवरी है ना वो 31 तारीख को मिलने वाली है, कोलोजन करके एक शहर है जर्मनी में, तो मेरे को वहां से एप्पल स्टोर से पिक करना था 31 जुलाई को। तो मैंने कहा ठीक है क्या पता जब तक ऑर्डर आए बाकी पेमेंट वहीं पे लेंगे वो। बट भाई पेमेंट होने के 1 घंटे बाद ना ईमेल आता है मुझे कि योर ऑर्डर इज ऑन होल्ड। अब मैंने वो क्लिक करा कि क्यों होल्ड पे, वहां पे लिखा रहा है कि आपके जो पेमेंट है ना वो सक्सेसफुल हो नहीं पा रही है, इसलिए हमने पेमेंट को होल्ड पे डाल दिया है। अब पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है तो ये 2 ट्रांजेक्शन कैसे हो गई कार्ड में से, अगर नहीं होती तो फिर ये 2 भी नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने एप्पल सपोर्ट पे बात करी, 1-2 घंटे मत्था बच्ची
करी, इधर उधर से बात करी, पता किया, तो कुछ सोल्यूशन नहीं निकला भाई। तो अब यही सोल्यूशन है कि जर्मनी एंटर करते हैं, जो सबसे पहले एप्पल स्टोर आएगा वहां पर जाके उनसे बात करता हूँ और पूछता हूँ भाई क्या सीन है ये। एक तो दो किस्तों में किस्त वो काट लिए पैसे और अभी भी जो ऑर्डर है वो होल्ड पे डाल दिया। तो अगर ये कहते हैं कि हम रिजोल्व कर देंगे तो मैं ऑफलाइन ही पेमेंट कर दूंगा यहीं पे अपने कार्ड से, बाकी पता नहीं यार एप्पल स्टोर जाके पता चलेगा। तो इसलिए बॉर्डर के पास ही एक शहर है बहुत बड़ा ड्रिस्डेन करके, वहां पे एप्पल स्टोर है प्रॉपर, तो उन्हीं से बात करेंगे। टनल क्रॉस करते ही जो है हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर देखो ये आ गई है जर्मनी की सीमा और हम ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं जर्मनी के अंदर। यहाँ से एप्पल स्टोर जो है ड्रेसडन का वो 40 किलोमीटर है, अराउंड 25-30 मिनट लगेंगे। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि छोटा सा बोर्ड आता है कंट्री चेंज करने पर, बट भाई उस टाइम पे भी नहीं आया था और आज भी नहीं आया। हालांकि जब हमने चेक रिपब्लिक में एंटर किया था ना तब आया था, क्योंकि हम वो गांव में से निकले थे, लेकिन यहाँ पे तो दोनों तरफ ही ना छोटा ना बड़ा कोई बोर्ड नहीं आया जर्मनी का। तो अभी फिलहाल हमें भाई पहले तो अपना वही विनेट लेना है किसी भी पेट्रोल पंप पे रोक के, क्योंकि एक घंटे की लिमिट होती है, एक घंटे के बाद अगर आप लोगे तो चलान हो जाएगा। तो एक घंटे से पहले पहले लेना है फटाफट से, जो पहला स्टेशन आएगा वहीं रोक लेंगे हम भाई। बर्लिन जा तो रहे क्योंकि इनकी कैपिटल सिटी है, प्लस हमारा रूट वही बन रहा था, बट एक्चुअल में यहाँ पे और भी अच्छी अच्छी सिटीज है जैसे कि म्यूनिक है और इसके अलावा फ्रैंकफर्ट है। तो इन जगहों पे ना भाई और भी मस्त मस्त चीज है, जैसे बीएमडब्ल्यू का जो शोरूम है वो अपना बर्लिन में नहीं है, वहां पर है। इसके अलावा एक लौता डीजीआई का स्टोर जो पूरे जर्मनी में है वो फ्रैंकफर्ट में है, बर्लिन में नहीं है। जबकि हाईवे पे भी अभी तक भाई कोई भी BMW देखने को नहीं मिली है जबकि हम जर्मनी में एंटर कर चुके हैं। तो शायद से सिटी तक जाएंगे तब पता चलेगा। सिटी शुरू हो चुकी है भाई, बस 5-6 किलोमीटर ही है यहाँ से एप्पल स्टोर जो है। और मैं जब एप्पल की वेबसाइट से ऑर्डर कर रहा था ना, वहाँ पे यूरोप वाले कॉन्टिनेंट के अंदर कहीं पे भी जर्मनी का नाम नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने देखा कि जर्मनी को ड्यूचलैंड बोलते हैं, ड्यूचलैंड या जो भी प्रोनंसिएशन है उसकी। इसी रीजन की वजह से आप देखोगे यहाँ की जो गाड़ी है ना उनकी नंबर प्लेट में जी नहीं लिखा हुआ, डी लिखा हुआ है। बाकी ये जो डबल डी है ये मतलब की जो सिटी का नाम है। ओ भाई साहब सुजुकी का शोरूम है यहाँ पे बाहर देखो। भाई सिटी सेंटर है यहीं पे, इस वाली बिल्डिंग के अंदर ही एप्पल स्टोर है कहीं पे। ये पार्किंग है भाई, पर FREI लिखा है, ये फ्री है क्या है अंदर जाके ही पता चलेगा। देखते हैं टिकट ले लेंगे, कितना ही है, आधा एक घंटा ही रहना है हमें, पूछना पड़ेगा भाई। रिपेयरिंग चल रही है, ये लगा दिया इन्होंने। तो साइड वाली जो है इससे जाना है, टिकट निकल जा। ये तो एग्जिट का है भाई, कैसे खुलेगा? उधर से लाओ, उधर से वो वाला होगा कह रहे। ये तो एग्जिट है उधर, क्योंकि मशीन चल रही है, ये एग्जिट है। तो एंट्री आ गई, आ गई, टिकट तो निकल गई भाई, पता नहीं क्या सीन। खुल गया भाई, खुल गया, एक और बार दबाना पड़ा ये टिकट का। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है 3 यूरो पर आवर, यानी कि 300 रुपए एक घंटे के। ठीक है, हमें एक ही घंटा रुकना है, ज्यादा नहीं। काफी बड़ी पार्किंग है भाई साहब। मैंने भाई अपना लैपटॉप ले लिया, उनको अगर ऑर्डर दिखाना हो या पेमेंट वापस से वो कुछ करके ट्राई करवाए तो लैपटॉप से करूंगा, फोन से ढंग से नहीं होता। ये है भाई ड्रिस्डेन, देख लो। वैसे तो ज्यादा घूमना नहीं है, आधे पौने घंटे के लिए जितना दिखा पाऊंगा दिखा दूंगा। मेन तो एप्पल स्टोर से काम है। एंड एंट्रेंस यहाँ से दिखा रहा है इस मॉल के अंदर की, घुसते ही मिल गया भाई, बिल्कुल सामने है, इतना बड़ा एप्पल स्टोर भाई साहब। अब तो इंडिया में भी खुल गया एप्पल स्टोर, वैसे तो खैर पहले नहीं होता था, यहाँ का तो अलग ही लेवल का है, देख रहे हो कितना बड़ा। एक्चुअल में भाई इनका क्या सीन है, ये ना पेमेंट जब आप ऑर्डर करते हो तब नहीं काटते हैं, जब आपका प्रोडक्ट जो है वो शिप होने के लिए रेडी हो जाता है ना, मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन करी है तब ये पेमेंट काटते हैं। तो कार्ड से तो हो नहीं पा रही। अब इन्होंने पुराना ऑर्डर कैंसिल करवाया है, नया ऑर्डर वापस से करवाया, और इस बार मैंने पेमेंट मेथड जो है ना वो पेपाल सेलेक्ट किया, तो होपफुली पेपाल अटके ना, क्योंकि वर्ल्ड वाइड चलता है भाई। पहले कार्ड हमारा इंडियन था इसलिए हो सकता है दिक्कत हुई हो, बट लेट्स सी। पहले जो डिलीवरी डेट थी ना मेरे मैकबुक की वो थी 31st की, बट अब आ गई है भाई 26th की, तो और जल्दी हो गया है भाई साहब ऑर्डर प्रिपेयर। शायद से वो मैकबुक मैंने जो कॉन्फ़िगर किया था वो रेडी पड़ा होगा इसलिए वो जल्दी डिलीवरी कर रहे हैं। तो बढ़िया भाई, बर्लिन से ही मिल जाएगा, वो कोलोजन नहीं जाना पड़ेगा मेरे को, तो ये सही काम हो गया। बस पेपाल जो है ना वो भाई कुछ दिक्कत ना दे दे एंड मोमेंट पे, अगर दिक्कत नहीं हुई तो फिर बर्लिन में ही उठा लेंगे अपना नवा मैकबुक। और एप्पल स्टोर में ना 3-4 लोगों से इंटरेक्शन हुआ। एक तो भाई साहब बड़ा खड़ूस था, कह रहा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है क्योंकि ऑनलाइन खरीदा ना, और बाकी 2-3 थे, एक लड़की थी उसमें से, उसने काफ़ी हेल्प करवा दी। तो
चंगा काम हो गया। बट इनका ये सिस्टम बेकार है भाई, ऑनलाइन खरीदा तो ऑनलाइन ही झेलो, ऑफलाइन वालों को कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। तो एप्पल स्टोर ही अभी से कपड़े लेने हैं शायद से, इसलिए यहाँ आए हम स्टोर में, यहाँ ले लिया भाई अपने वही रेगुलर वॉफल। यहाँ के जो मॉल्स है ना पूरे यूरोप में एक्चुअल में जितने भी वॉशरूम बने होते हैं भाई सब के सब पेड है, 50 सेंट लेते हैं यानी कि 50 रुपए बताओ, चाहे सुस्तू जाना हो 50 रुपए खर्चो, फ्री है ही नहीं। यहाँ की स्ट्रॉबेरीज थोड़ी फ्रेश फ्रेश सी लग रही है, बढ़िया। सुपर मार्केट्स में भी ना विनियट मिल जाते हैं, एक बार इनसे पूछ लेता हूँ क्या पता हो, या फिर मशीन लगी हो तो बढ़िया, फिर फ्यूल स्टेशन में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके पास तो नहीं है कैरी, वी डोंट सेल विनियट हियर। चलो जी चलो पार्किंग में आ गए हैं, गड्डी उठाते हैं अपनी और निकलते हैं यहाँ से। करके एक ये फ्यूल स्टेशन आ गया भाई, एंड वहाँ पे शॉप है, इतनी बड़ी शॉप है तो मतलब कि विनियट भी है 100%। वो ये देखो ऑटो वॉशिंग सेंटर भी है भाई, बट बंद लग रहा है शायद। जर्मनी में डीजल का प्राइस देख लो भाई 1.64 लीटर है, और जो बढ़िया वाला डीजल है वो 1.65, यानी कि अराउंड 160 रुपीज का एक लीटर भाई साहब। इनके पास तो है नहीं भाई, ये तो अजीब ही बात है, होना तो चाहिए। ये देख लो भाई, हेलो हेलो भाई, अंदर बैठ के पी रहे और हे कर रहे हैं। चलो जी एक और मिल गया है फ्यूल स्टेशन टोटल का। जर्मनी के बड़े खाली खाली से फ्यूल स्टेशन लग रहे हैं, देखना ऐसा लग रहा है जैसे कोई बसावट ही ना हो यहाँ पे। खैर सानू की भाई, अपने को विनियट मिल जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मार्केट तो भाई अच्छी खासी लग रही है, होना तो चाहिए। डू यू हैव विनियट फॉर कार? हाईवे इज फ्री। ओके इन होल यू जर्मनी? ओके थैंक यू थैंक यू। ओ भाई साहब जर्मनी में चलता ही नहीं है विनियट, मतलब ये कह रहे हैं हाईवे जो है वो फ्री है भाई साहब। ये आपको पता ही है भाई जर्मनी में ऑटोबान है, यानी कि ऐसा हाईवे वर्ल्ड का जिसमें भाई कोई स्पीड लिमिट ही नहीं है। तो यहाँ पे हम 140 150 200 250 300 पे चलाए कोई नहीं रोकेगा, ना ही चलान होगा हमारा। वैसे जो वर्ड है ना ऑटोबान, इसका मतलब होता है हाईवे, तो मतलब पूरे दुनिया के हाईवे को ऑटोबान ही बोलते हैं, बट जर्मनी का एक लोता हाईवे या फिर ऑटोबान ऐसा है जहाँ पे कोई भी चलान नहीं होते, मतलब स्पीड लिमिट ही नहीं है। तो चलो भाई जर्मनी में तो पैसा बच गया हमारा, वो कह रहे जर्मनी में नहीं होता, लग ही रहा था तेरे जैसे ना बोलते, मैं सोचा सर्च करूंगा। तो जो भी 10-12 यूरो थे भाई बच गए, बल्ले बल्ले हो गई। अब यहाँ से केवल और केवल भाई 1 घंटा 10 मिनट का रह गया बर्लिन, अराउंड 110 किलोमीटर के आसपास सीधा वन गो में खींच दूंगा, रुकना उकना नहीं। गाड़ी की रेंज भाई बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, अच्छा हुआ यहाँ पे फ्यूल स्टेशन मिल गया। हर जगह वही है भाई, 2 डीजल 2 पेट्रोल। सुपर वाला डलवाए आज तुम डलवा रहे हो तो डलवा दो यार, ऐसी बड़ी भाई इतना पैसा कमाते हो कहाँ ले जाओगे। 100 की पार्टी हो गई, डलवा लो डीजल मेरी तरफ से, पक्की बात। 5 टैंक हमारी तरफ से नॉर्मली भरवाएंगे भाई, क्यों फाल तुम्हारे। हाँ चलो फुल 40 मेरे पास है, 40 हमारे पास है। 1.64 यूरोस पर लीटर है, यानी कि 164 रुपए का। ओए होए होए, जर्मनी में तो आग लग रही है भाई डीजल की। और ये नॉर्मल वाले का है, अगर सुपर भरवाता तो वो 170 नहीं 175 रुपए लीटर पड़ता। अभी टंकी फुल करवा लेते भाई, 29 लीटर में कट लग गया, इम्पॉसिबल, कुछ तो पंगा है। हाँ नहीं ऐसे कैसे लग गया, मैं वही सोचूं भाई, अभी तो बहुत आ जाएगा। तो मैं कह रहा था कैश भाई ज्यादा पड़ा नहीं है, 80 यूरोस पड़ा है, 40 मेरे पास 40 अभिषेक के पास, और कार्ड अभिषेक का खो चुका है। मेरे वाला भाई साहब एप्पल ने वो कर रखा है, और इसके अलावा कुछ है नहीं हमारे पास ऑप्शन, तो इसलिए 80 यूरो होते ही रोकना पड़ेगा। लाओ लाओ दो, उड़ाओ उड़ाओ, मेरी शादी में यूरो उड़ाना यहाँ से लेकर जाओ 10-20 हजार यूरो तेरी शादी में नॉर्थ मैसेडोनिया के सिक्के उछालो
चिल्लड़ भाई साहब, फ्लो फ्लो में ध्यान ही नहीं रहा और 55.6 लीटर आ गया, यानी कि 92 यूरो का। अब इतना तो भाई अपने पास कैश भी नहीं पड़ा, बट कोई नहीं, चिल्लड़ पड़े हैं मेरे पास सिक्के, वो निकाल के दे दूंगा। स्टार के नाम से है ये, थोड़ा हाईवे से ना अंदर सिटी की तरफ आए तब मिला स्टार कैफे। एंड भाई 9 बज चुके हैं, अंधेरा होने ही वाला है, हालांकि दिन हो रहा है, रात के 9 बजे भी देखो, बट ये 15-20 मिनट ही रहेगा, 9:15-9:30 तक प्रॉपर अंधेरा हो जाएगा यहाँ जर्मनी में। और अभी जो होटल हमने बुक किया वो यहाँ से 55 किलोमीटर है, यानी कि 49 मिनट का रास्ता। जल्दी जल्दी खींचते भाई, 10 बजे से पहले पहले पहुंचना। लो जी लो, बर्लिन पहुंच गए हैं और रात के इस वक्त भाई 10 बज रहे हैं। पहली बार है इस ट्रिप में कि हम रात को गाड़ी चला रहे हैं 10 बजे, क्योंकि यहाँ पे भाई अंधेरा ही जो है वो 9:15-9:30 बजे होता है। तो अब सिटी में पहुंच गए हैं, 2-3 किलोमीटर दूर होटल है, मस्त अपना चेक इन करते हैं और फिर देखते आगे क्या करना है। नाइट में जाएंगे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने। हम ना भाई बिल्कुल सिटी सेंटर के बाहर है इस टाइम पे, मतलब होटल बाहर ही लिया है, अंदर नहीं लिया। जब बाहर ही इतना महंगा है 10-10, 11-11 हजार रुपए का, अंदर तो भाई सब और ज्यादा महंगे मिलते हैं। ऊपर से बड़े होटल्स होते नहीं है, ना पार्किंग होती है, तो इसलिए काफी दिक्कत होती है, तो बाहर ही लेना सही रहता है फिर यहाँ पे इन कंट्रीज में। ये है भाई सामने होटल, अभी पार्किंग का पता करने गए है, क्योंकि बाहर तो पार्किंग यही दिख रही है ओपन में, तो यहाँ तो खड़ी नहीं करेंगे यार, अंदर वाली कोई होनी चाहिए, बेसमेंट में होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ का जो हमने इंश्योरेंस ले रखा है ना, वो थर्ड पार्टी मिलता है, यानी कि हम किसी की गाड़ी ठोक देते हैं तो उस बंदे को अपनी गाड़ी का क्लेम हमसे मिल जाएगा, बट हमारी गाड़ी ठुक गई या फिर हमारी गाड़ी चोरी हो गई तो ना तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ वाली हमें पैसे देगी, ना ही इंडिया वाली इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, तो इसलिए थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ता है गाड़ी को भाई, 27-28 लाख की गाड़ियां हैं, थोड़ी है। चलो भाई पार्किंग है इनकी एरी साइड में ही, अंदर जाके मस्त लगा देते हैं, सेफ रहेगा यहाँ। यही है क्या मेरे ख्याल से, तो यही है या बेसमेंट में होगी, देखता हूँ एक मिनट को। बेसमेंट वाली तो बंद पड़ी है, ऊपर ही लगाता हूँ। ये है भाई हमारा रूम, वही सेम ही चलते आ रहे हैं हर जगह के, 2 सिंगल बेड, यहाँ पे वॉशरूम, हालांकि ये वाला वॉशरूम छोटा है क्योंकि इसमें बाथटब नहीं दे रखा, बाकी तो ठीक ही है, बट होटल अच्छा है भाई। और मेन चीज है भाई एसी दे रखा है, क्योंकि मिलता नहीं है एसी जल्दी से। बाकी चलो यार आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना पीता, बाय।